आपको दिखाते हैं वन बाय वन। ये जनाब इसका आपने नोट किया होगा कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा ओपन किया है तो उसकी एक लाइट ऊपर से ऑन हुई, जो कि बेसिकली यहाँ पे सेंसर्स के साथ अटैच्ड है। तीन मरले के हिसाब से आप देखिए कितना लग्जरियस किस्म का इंटीरियर है इसके अंदर। और जस्ट हैव अ लुक एट इट। अच्छा, अब अगेन सेंसर्स हैं इसके अंदर, तो जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ तो ये वॉशरूम के सेंसर्स ऑन हुए हैं। और टोटल चार बेडरूम हैं जनाब। अच्छा, आइए फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर का। और ये देखिए ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल इंटीरियर। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, नेक्स्ट होम में खुश आमदीद। आज बहुत अरसे बाद आज हम विज़िट करने जा रहे हैं अल कबीर टाउन का तीन मरले का बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट होम, जो कि बेसिकली कॉर्नर का है। आप देख सकते हैं, आपको इसके एलिवेशन दिखाई हमने पहले। क्विकली हम करेंगे इसका घर का विज़िट ताकि आपको जो है वो वीडियो मुकम्मल देख सकें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अच्छा, ये इसका बेसिकली गराज है। राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो इसकी स्ट्रीट आ जाती है। बहुत खूबसूरती से लाइट वर्क और लाइट का काम किया गया है। उसके अलावा जो वॉल के ऊपर जो खूबसूरती से काम किया गया है वो आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा टाइल्स का जो सिलेक्शन है कलर के, वो बहुत ज़बरदस्त है। गैराज का आप देख सकते हैं, अलग से सेपरेट एंट्रेंस है जी ऊपर जाने के लिए। इस घर के बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग फीचर्स हैं, आपको दिखाते हैं वन बाय वन। ये जनाब इसका आपने नोट किया होगा कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा ओपन किया है तो उसकी एक लाइट ऊपर से ऑन हुई, जो कि बेसिकली यहाँ पे सेंसर्स के साथ अटैच्ड है। ये जनाब इसका टीवी लाउंज आ जाता है, इंतहाई ज़बरदस्त। तीन मरले के हिसाब से आप देखिए कितना लग्जरियस किस्म का इंटीरियर है इसके अंदर। और जस्ट हैव अ लुक एट इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग जनाब। बहुत खूबसूरत सेंसर्स लगे हैं घर में, सामने आप देख सकते हैं कैमराज वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। मीडिया जो वॉल है वो काफ़ी खूबसूरत। इसके अलावा जो इसका टीवी लाउंज है वो काफ़ी मैसिव है, आप देख सकते हैं तीन मरले के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशियस है। आप बटन्स वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो टच वाले हैं सेंसर्स लगाए गए हैं। आपको दिखाते हैं पहले किचन का ओवरव्यू। अगेन काफ़ी मैसिव है, स्पेशियस अच्छा है। कैनन की अप्लायंसेस वगैरह लगी हैं, स्टोव और उसकी किचन रेंज। वॉलपेपर का सिलेक्शन बहुत खूबसूरत। ये जनाब इसका पाउडर रूम आ जाता है, बाहर इसका बेसन का एरिया आ जाता है। सीलिंग का वर्क आप देख सकते हैं ऊपर। ये जनाब इसका फर्स्ट फर्निश्ड बेडरूम है, इसमें ऑलरेडी जो है वो बेड लगा हुआ है। इसकी साइड टेबल्स, बेड वॉल का आप देखें कितना खूबसूरती से काम किया गया है। उसकी राइट और लेफ्ट साइड पे जो वॉलपेपर का सिलेक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त, और हैंगिंग लाइट जो है वो बहुत खूबसूरत लगती हुई। सीलिंग ये आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। अच्छा नाज़रीन, ये जो है इसका वार्डरोब यहाँ पर राइट साइड पे, जो कि स्लाइडिंग है। इसके सामने चेयर्स बहुत खूबसूरत लगती हुई, और उसी के साथ मैचिंग उसका कर्टन्स। एग्जॉस्ट भी यहाँ पर ऊपर लगाया गया है सीलिंग के अंदर, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब अगेन सेंसर्स हैं इसके अंदर, तो जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ तो ये वॉशरूम के सेंसर्स ऑन हुए हैं, और इसका लाइट भी इसके साथ अटैच है। नाज़रीन इसका वॉशरूम, सैनिटरी का एरिया आप देख सकते हैं। सैनिटरी की चीज़ें बहुत खूबसूरत लगी हुई, सिलेक्शन कलर का वो बहुत ज़बरदस्त है। टाइल वर्क देख सकते हैं, शॉवर का सेट, फिर उसके पीछे बैक वॉल पे जो टाइल की डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत लगते हुए। सामने इसका लुकिंग मिरर, फिर वैनिटी काफ़ी डिफरेंट। इस की बात कर रहे थे कि ये जो स्लाइडिंग वार्डरोब है इसमें जनाब, और एक मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ, जस्ट हैव अ लुक, बहुत खूबसूरत और मैसिव। तीन मरले के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त है, इतनी यानी कि अच्छी स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है। आइए अब ऊपर चलते हैं। अच्छा, स्टेज पे जाने से पहले अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज का एरिया, आई थिंक यहाँ पर आप इजीली अपना यूपीएस वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। ओपन यूजुअली लोग रख देते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा आप ये देखिए कितना खूबसूरत मार्बल टेक्सचर के अंदर इसका जो है वॉलपेपर है,
ये जनाब इसका 3 मरले के अंदर टीवी लाउंज प्रॉपर बनाया है, टीवी लाउंज 3 मरले के अंदर प्रॉपर, अमेजिंग। फैंस इंस्टॉल्ड हैं, सामने मीडिया वॉल है। अच्छा, अगर आप देखेंगे मीडिया वॉल के जो बाहर टीवी लाउंज का और जो किचन है उसको बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने मिक्स कर दिया, एक सॉर्ट ऑफ ये दरमियान में एक स्पेस है जस्ट, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सामने बिल्कुल जो है वो ये स्टोव आ जाता है, उसके ऊपर ये किचन रेंज है, अगेन उसी पैटर्न के ऊपर कैनन की हाई क्वालिटी और सिग्नेचर, यस सिग्नेचर के जो है वो स्टोव है, मतलब हाई क्वालिटी इन्होंने एक एक चीज़ हाई क्वालिटी लगी हुई है। अच्छा, आप देखेंगे और से काफ़ी अनकन्वेंशनल और अच्छा है, खूबसूरत है। अच्छा नाज़रीन, ये घर जो है मुकम्मल तौर पर अगर आप फर्निश कहें वो भी सही है, सेमी फर्निश भी आप कह सकते हैं। अकोमोडेशन इसकी क्या है कि नीचे एक बेडरूम है, 2 ऊपर हैं एंड देन एक और ऊपर है, तो टोटल 4 बेडरूम हैं जनाब। अच्छा आइए फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर का, और ये देखिए ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल इंटीरियर और कलर सेलेक्शन ज़बरदस्त, और स्पेस यूटिलाइजेशन उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये इसकी जनाब बेड वॉल 3 मरले के अंदर मेरे ख्याल से ये एक मेरे ख्याल से कम नहीं है। ये बिल्कुल राइट साइड पे आपको बहुत खूबसूरती से फीचर वॉल नज़र आ जाती है, मुकम्मल तौर पर पूरा घर बेडरूम्स का जो वॉल हैं वो वॉलपेपर से भरे हुए हैं। आप ऊपर देखिए जनाब प्रॉपर पार्क फैन के जो है वो फैंस इंस्टॉल्ड हैं, वार्डरोब का साइज देखिए कितना बड़ा है, स्पेस चेक करें यहाँ पर आप इजीली 3 मरले के घर के अंदर एक बेड के अंदर आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर सिटिंग एरिया बना हो। राइट साइड पे आपको वहाँ पर इवन मैं आपको दिखाऊं तो आई थिंक यहाँ पे आपको ड्रेसिंग वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपनी बस एक शेल्फ रखें आराम से, और मेरे ख्याल से इस मिरर को आप एज अ ड्रेसिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आइए इसके वॉशरूम में चलते हैं जनाब। ये इसका वॉशरूम, अगेन कमोड वगैरह है, शावर का सेट, और आप ये टाइल का जो डिज़ाइन है प्रॉपर पता लग रहा है किसी डिज़ाइनर ने इस घर को डिज़ाइन किया है प्रॉपर, एक एक चीज़ एक एक एलिमेंट जो है वो पता चल रहा है कि प्रॉपरली डिज़ाइंड ये घर है। टाइल का सिलेक्शन देखें, प्रॉपर सॉलिड डोर्स अगर आप देखें, काफ़ी हैवी डोर्स, और उनकी हाइट इवन अगर आप देखें मेरे ख्याल से कोई 8 से 8.5 फुट के करीब जो है वो इसके डोर का ऊपर जो इसकी हाइट है। ये वैनिटी का एरिया देखें, सामने इसका जो है वो लुकिंग मिरर आ जाता है। आइए तीसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं, और अगेन सारे के सारे घर के अंदर ये जो है वो टच बटन्स वगैरह जो हैं इंस्टॉल्ड हैं, जो कि बहुत मेरे ख्याल से मैंने जितने घर विजिट किए हैं बहुत कम घर में मैंने ऐसा देखा है। आइए नाज़रीन ये जनाब वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, प्रॉपर 2 सिंगल बेड अगर आपके मतलब आप फैमिली हैं और आपके बच्चे हैं तो आप इजीली ये वाला जो बेडरूम है एज अ किड के तौर पे, किड्स बेडरूम के तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर 2 सिंगल बेड हैं, दरमियान में जो है वो एक टेबल है, पीछे अगर आप बेड वॉल देखें उसमें कितनी खूबसूरती से काम किया गया, रेड और ग्रीन इस पूरे के पूरे कमरे का थीम है, या आप भी नोटिस कर रहे होंगे इवन इसका जो वॉलपेपर है इसमें भी ग्रीन और रेड यूज़ किया गया है कलर। कर्टन्स अगर आप देखें इंतहाई ज़बरदस्त, अगेन सामने जो है वो इसका चेयर वगैरह कितनी खूबसूरत फ्लोरल शेप के अंदर, और आप एक दफ़ा इसका जो वार्डरोब है उसका साइज़ देखें कितना बड़ा, 3 मरले का घर, बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि ये 3 मरले का घर है। आइए इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं जी। अगेन पूरे घर में सेंसर्स हैं, आपको बटन वगैरह हर वक्त ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जनाब इसका शॉवर का सेट, अगेन आप सेपरेशन देख सकते हैं जी कि प्रॉपर जो आपका शॉवर का एरिया है वो सेपरेट है। ये इसका कमोड आ जाता है, ये वैनिटी है, और उसके सामने बिल्कुल लुकिंग मिरर। इस सीलिंग का डिज़ाइन अगर हमको दिखाता चलूँ, एक एक चीज़ जो है मेरे ख्याल से ऑन स्पॉट है, कहीं पे भी कोई कमी मेरा नहीं ख्याल
कि और इवन जो ऑटोमेटिक जो है वो डोर क्लोजिंग का जो फीचर है वो भी लगाया गया है हर डोर के साथ। आइए ऊपर फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। और साथ ही उसका छत है, माउंटी है। और जाने से पहले ऊपर आप ये देखें एक और काफ़ी मैसिव जो है वो वार्डरोब बाहर ही मौजूद है जनाब। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रही जनाब इसका एक चौथा बेडरूम, उसमें भी बेड मौजूद। और यहाँ पर भी एक अलहदा से वार्डरोब है, दो दो वार्डरोब, एक बाहर एक अंदर। ये इसका वॉशरूम, सिंपल सा है, ये आप गेस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं गेस्ट रूम के हिसाब से या जिस तरह आपको ठीक लगे। एग्जॉस्ट भी है ताकि अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। इसके अलावा आप ये देखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर के अंदर, कितनी इंटेलिजेंटली उन्होंने जो है वो राउंड शेप के अंदर इसका बनाया है छत पे जाने का जो डोर है, ताकि एस्थेटिक्स जो हैं वो ख़राब ना हो घर की। मार्बल पूरे पूरे घर पे, काफ़ी अच्छी साइज़ का जो है वो छत है, ग्रिल्स वगैरह। और आप यहाँ से इसका व्यू चेक कीजिए, बहुत खूबसूरत। ये था आज का विज़िट। इसकी प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, इसकी मैंने प्राइस जो है वो नीचे शेयर कर दी है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।